अवार्ड मिलना चाहिए साड़ी पहन के। पूरे दिन ये मुसीबत कैसे पहन के रहती है? भाई इसीलिए बोलता हूँ आज नहीं अभी चाहिए। अरे क्यों मतलब? दीवार पे टांगने का है बोलो। अरे हमारे घर में एक स्पेशल रसम है। हाँ इसे फर्स्ट टाइम फर्स्ट लेके आओ। चंपा कली ये क्या है? What? ये what की दिख रही? ये क्या पहना है तूने? अब मैं यही कपड़े पहनूंगी। ये साड़ी वाड़ी मुझसे नहीं पहना जाएगा, ओके? आज तक हमारे घर में किसी औरत ने ऐसे कपड़े ना कभी पहने हैं और ना कभी पहनेगी। समझी कि नहीं तू? अब जा फटाफट जा साड़ी पहन के। कहते हैं पहलवानों की अक्ल घुटनों में होती है। एंड बाय द वे, आपकी घर की औरतें क्या पहनती है क्या नहीं पहनती है इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, ओके? एक बार तुम्हें किधर कि कपड़े बदल तो बदल। मैंने भी कहा ना कि नहीं चेंज करूंगी, मतलब नहीं चेंज करूंगी। तुझे क्या लगता है तू ऐसे लटके झटके देकर यहाँ से चली जाएगी और मैं देखता रहूंगा? तुझे बोला ना साड़ी पहन के आ जा। How dare you? पहले अपने हाथ छोड़िए छोटे। पहले बोल कि हाँ मैं साड़ी पहनूंगी तभी छोड़ूंगा। धर्म ये क्या कर रहा है? छोड़ इसका हाथ छोड़। लेकिन बा आप देखो ना इसने कैसे कपड़े पहन रखे। मैं तो खाली इसको इतना बोल रहा हूं कि ये कपड़े बदल के साड़ी पहन और उसमें इतनी अकड़ दिखा रही है छोकरी। अरे बेटा ये आजकल की फैशन है, पहने दे इसे जो पहनना है, कुछ नहीं बोलेगा तू। मेरा बेटा मेरा एक काम करेगी, बाहर मालिका का पौधे लगा रहे, जरा जाके देख कि वो सही काम कर रहे कि नहीं। अब मालिका का को देखने मैं क्यों जाऊं? ए चल जा। जाना ना बेटा मैं भी आती हूँ। जा रही हूँ। भाई ये क्या कर रही है? पहले आपको ही ऐसे कपड़ों से प्रॉब्लम था, अब आप ही रजामंदी दे रही है, क्यों? क्योंकि अब कोयली की पोतियों से बदला लेने का शुभ चौघड़िया आ गया है। कोयली ने मेरे गले पे खंजर रखा था ना, अब देखना मैं उसकी पोती की ऐसी हालत करूंगी कि वो छोटे कपड़े पहनना ही भूल जाए। लेकिन मैं कैसे? बेटा मोर जब अपने पैर देखता है ना तब उसे एहसास होता है कि उसके पंख की सुंदरता के आगे उसके पैर कितने गंदे हैं। बस कुछ ऐसी ही हालत मैं इस तीखी छुरी की करूंगी। उसे ऐसा सबक मिलेगा कि साड़ी पहनने के अलावा उसके पास कोई रास्ता ही नहीं बचेगा। लेकिन मुझे इतना तो पता है कि तेरी बाप पहले सोचती है फिर दोबारा सोचती है उसके बाद कोई काम करती है। लेकिन बा आप एग्जैक्टली क्या करने वाली है? बेटा मैं जो काम करने जा रही हूँ वो कान का नहीं आंख का जश्न है। अब ये छटंकी की दोनों नमूनिया हमारे घर में है, उन्हें मेरे खेल का हिस्सा बनाकर ऐसा नाच नचाऊंगी कि उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि उनके साथ क्या हो रहा है। और इसकी शुरुआत आज की रस्म से होगी और ये रस्म ऐसी होगी
की ना किसी ने देखी होगी और ना कभी किसी ने सुनी। चलो देखते हैं। आज से पहले भी इसने एक लापरवाही की थी और इसी की लापरवाही से हमने मीरा को खो दिया था। अब विद्या हमेशा मेरे साथ रहेगी। अब तुम्हें उसकी तकलीफें उठाने की जरूरत नहीं है। इस घर को तुम्हारी जरूरत नहीं है, यहां से जा सकते हो। बहन जी, खाना खा लो। माँ जी, वो अहम जी, तुम्हारे अहम जी को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। उसका गुस्सा बुखार की तरह है, जो आने में समय नहीं लगाता लेकिन जाने में बहुत समय लगाता है। हाँ माँ जी, जानती, और इसीलिए तो डर लग रहा है। कहीं जो कुछ भी हुआ है उसके वजह से अगर फिर से वो मुझसे नफरत करने लगे तो। माँ जी, बहुत मुश्किलों से तो मैंने अपने परिवार को फिर से एक बार जोड़ा है, और आपकी मदद से मेरे और अहम जी के बीच में जो भी दूरियां थी वो मिट गई। पर मुझे डर है माँ जी कि जो कुछ भी हो रहा है की वजह से मेरे और अहम जी के बीच में इससे कोई गलत फहमी ना पैदा हो जाए। वो तुमसे नाराज हुआ है कुछ समय के बाद, तुम्हारा प्यार उसे अपने पास खींच कर वापस लाया है, और जब अहम वापस आया है तो उसके दिल में तुम्हारे प्रति प्रेम कई गुना ज्यादा लौट कर आया है। तुम हंसते हुए ही अच्छी लगती हो। माँ जी, अहम जी सच्ची में मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे ना? कभी भी नहीं। यू, ये कैक्टस किसने रखा है? वो मोटा शैतानी ने कहा मैम साहब, इसलिए मैं लेकर आया हूँ। कॉस मोटा शैतानी से और एक्सपेक्टेड कैक्टस तकरीर था, 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 था। क्या हुआ, कुछ कहा क्या? कुछ नहीं, वो तो मैं माली काका से कह रही थी कि बाजी ने इतना सुंदर गार्डन सजाया है। हाँ वो तो है। रामजी भाई, सारा काम हो गया? बस शैतानी जी, हो ही रहा है। लाइए मैं आपकी मदद करती हूँ, सारा काम फास्ट एंड फास्ट हो जाना चाहिए। दिखा जरा खास तो। अरे एक काम करना, वो वाला गमला है ना, वो जरा लाके देना। वो ऑरेंज वाले फूल? हाँ वही।
से खड़े खड़े नहीं ले पाओगी, जरा झुकना पड़ेगा। लेकिन बेटा जरा संभाल के, सब तरफ कांटे ही कांटे हैं, तुम्हें लग न जाए। ओहो, मैंने कहा था ना जरा संभाल के, लेकिन तुम हो कि मेरी बात मानती नहीं हो। तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई? ओके फाइन। अरे क्या फाइन वाइन, देखने दे। हे भगवान, कितना लगा है तुम्हें? रामजी भाई जल्दी जरा दवाई लेके आइए। लेकर आया शटनी जी। अब ये नमक वाले हाथ लगा के इसे मजा चकाती हूँ। लाओ दिखरा, मुझे जरा देखने दे। सॉरी बेटा, सॉरी। अरे रामजी भाई जल्दी दवाई लाइए। ये लीजिए। लाओ लाओ, ये ले बेटा, ये ले, अच्छे से लगाना। जा अपने कमरे में जा। कितना लगा है बिचारी को। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।